अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिफा यास्मीन यानी के एस वाई और मेरे साथ यहां पर एक गेस्ट भी मौजूद हैं। जी हाँ, पेंटिंग के हवाले से आपने बात बहुत सुनी है, उसके अलावा आप वुड वर्क के हवाले से बहुत कुछ सीखते हैं। भाई कुछ लोग फर्नीचर बनाते हैं और कुछ लोग बड़े मजे का वुड वर्क करते हैं कि देख के दिल चाहता है कि बस इसको घर के किसी कोने में जो है वो रख लिया जाए ताकि घर की खूबसूरती बढ़ जाए। इसी हवाले से मैं बात भी करूंगी। मेरे साथ यहाँ पर अफजल कामरान बेग मौजूद हैं जो कि ये सारे काम करते हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कामरान, सबसे पहले तो ये पेंटिंग्स हम स्टार्ट करना चाहेंगे क्योंकि काफी पेंटिंग्स आपकी मैंने देखी यहाँ पे भी लगी हुई है और फिर घर में भी आप करते रहते हैं बैठ के। वैसे तो आप मसरूफ आदमी, इतना टाइम निकालते कैसे? बस ये पहले इतना टाइम नहीं मिलता था जब हमने जॉब पे स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये कि जब थोड़ा कभी भी कोई टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस के तौर पे मैंने शुरू किया कि दोबारा से अपने काम को शुरू करूं, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स किया था। 1985 में एडमिशन लिया था। अच्छा। और 1990 में मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट्स क्लियर किया था। तो उसके बाद फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर आ गया शायद डिजाइनिंग में, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता था उस काम के लिए। अब जाके थोड़ा सा टाइम मिलना शुरू हुआ तो मैंने सोचा चलिए दोबारा से इस काम को शुरू करते हैं। जब पहले एकदम बनाई तो हाथ में इतनी सफाई नहीं रही थी, जाने छोड़े बहुत साल हो चुके थे। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पेंटिंग शुरू की, तो उसी दौरान में मुझे दो तीन चीजें ऐसी मिली कि उस पर मैंने काम किया तो मुझे उसमें ज्यादा मजा आया, तो मैंने वुड कार्विंग के ऊपर फिर काम शुरू किया। ये मैंने पहले कभी नहीं किया था इसलिए मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है। और जब मैंने पहला एक डेकोरेशन पीस डिजाइन किया तो उसको बनाया तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया, तो फिर मुझे शौक हुआ कि चलें पेंटिंग तो बहुत लोग करते हैं, इस काम की तरफ थोड़ा सा आना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद तीन चार पीसेज और बनाए, वो सबने भी बहुत पसंद किया। तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं जो नेचुरल फॉर्म में लकड़ी मुझे मिलती है उसकी जो नेचर होती है, जो उसका एम्बियंस होता है, उसके हिसाब से जो मुझे उसके अंदर फीलिंग आती है उसको फिर मैं उसी चीज के हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये एक वुड कार्विंग आपको नजर आ रही है और ये हम कहते हैं लकड़ियां जो है ना लोग तो ऐसी फेंक देते हैं, ये इसमें आपने लगाया है छोटे छोटे से? ये बर्ड्स बना के लगाए हैं, इसमें मैंने सीगल्स हैं जो आपने नेशनल ज्योग्राफिक के अक्सर प्रोग्राम्स में देखा होगा कि समुद्र के किनारे जो चट्टाने होती है वहाँ पे सीगल्स अपने घोंसले बनाती हैं। तो ये जब मैंने लकड़ियां उठा के देखी तो मुझे उसमें से वही फीलिंग आई कि ये रॉकी टाइप का इसका वर्क है थोड़ा सा और ये बिल्कुल चट्टाने लग रही है। तो फिर मैंने इनको इसी तरह से इसको डेकोरेट किया, इनको जोड़ा, इनको बनाया, कहीं कहीं मैंने थोड़ी सी कार्विंग की, कुछ जगहों को नेचुरल फॉर्म में छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर ये बर्ड्स बना के बिल्कुल छोटी छोटी सी और इस तरह से लगाई। असल काम तो ये है कि जी आपकी मेहनत कितनी लग रही है इस चीज के ऊपर, और अगर कोई बड़ा पीस आप बनाना चाहें तो अभी मेरे पास एक बड़ा पीस है रखा हुआ। अब मैं इसके ऊपर जो इसकी शेप है वो इस टाइप की है कि जैसे समंदर के किनारे पे जब आप कहीं जाते हैं और वहां पे पानी जहाँ जाके टकराते हैं चट्टानों से, उस टाइप का इसका शेप है। तो मैं अभी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चीजें बनाना चाह रहा हूँ। नीचे मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर समंदर की जो लहरें होती हैं वो जो आपके चट्टान से टकराती हैं उछलती हैं उसका इफेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा। उसके लिए मुझे इसके ऊपर एपॉक्सी रेजिन से काम करना होगा। अच्छा। तो वो जरा एक ज्यादा टाइम टेकिंग वर्क है तो इसलिए अभी रुका हुआ है। इसकी मुझे चीजें निकाल रहा हूँ, इसकी डिटेल सोच रहा हूँ क्योंकि इसकी एक एंगल ये है और इसकी एक एंगल ये है। इसकी दो डिफरेंट एंगल्स हैं तो दोनों का जो नेचर है उसका बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने मूव करके पूरा दिखा दिया है। अच्छा, ये वाली साइड जो है ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप अगर देखें तो ग्रेट कैनियन के अंदर जो पहाड़ों के अंदर जो कर्व्स होते हैं उस टाइप का इफेक्ट आता है, और उस वाली साइड से अगर आप देखें तो बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, तो इसकी शेप को देखना होता है कि किस शेप को आपने यूज करना है, तो उसके लिए क्या चीज आपको बनानी है। अच्छा कैमरा, ये ऐसी ही है या आपने अभी किया है? नहीं, ये इसको मैंने सारा इसके ऊपर से इसकी छाल उतार के इसको घिसाई करके इसको सारा बफिंग करके इसको चिकना किया। ये बहुत स्मूथ हो रहा है, मेरे हाथों में चुभ नहीं रहा, इसी वजह से मैंने सवाल किया। बिल्कुल इसको पूरा ग्राइंड किया है, इसको ग्राइंडर से रेगमाल से सबसे घिस के इसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया। जैसे मैंने आपको एक दिखाई थी शार्क जो बनाई है, तो वो जो मैंने जो लकड़ी का पीस मुझे मिला था तो उसको मैंने काफी देर तक बैठ के सोचता रहा तो मुझे समझ नहीं आई थी। मुझे लगा ये अंडर वाटर जो हम देखते हैं चीजें उसमें इस टाइप की शेप्स होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि अंडर वाटर में अगर इसको बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। तो फिर मैंने उसके लिए दूसरी चीजें ढूंढी, फिर मुझे पीछे चट्टानें चाहिए थी जो समंदर के अंदर होती हैं, उस टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही थी। इत्तेफाक से मुझे एक लकड़ी का पीस मिला जिसमें दीमक लगी हुई थी।
अच्छा। तो उसने जो दीमक ने जो उस पर कटिंग की हुई थी अपने घर बनाने की, उससे जो उसके अंदर एरिया बना हुआ था वो ऐसा था कि वो हम कार्व नहीं कर सकते, वो नेचुरली बहुत खूबसूरत था। तो फिर मैंने उस लकड़ी को यूज किया, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम था कि बार बार झड़ रहा था, हाथ लगते ही था तो दीमक लगी थी, झड़ रहा था। फिर मैंने उसको प्रिजर्व किया, पूरे को सॉलिड किया ताकि वो कहीं से झड़े नहीं बाद में। फिर उसके बाद मैंने उसको यूज किया, फिर मैंने एक शाख बनाई, शाख को लगाया, तो शाख लगाने में इशू आ रहा था कि शाख को इस तरह लगाना था कि उसका कोई सपोर्ट नजर ना आए, वो फ्लोट करती भी नजर आए। तो फिर उसका सपोर्ट इस तरह से लगाया कि आपको उस पीस के अंदर कहीं से भी उसका कोई सपोर्ट नजर नहीं आएगा, और शाख ऐसा लगेगा पानी में हवा में रुकी हुई है। अच्छा। मुख्तलिफ हॉबीज होती हैं लोगों की, मेरी बहुत सारी हॉबीज रही हैं, अपने टाइम के हिसाब से चेंज होती रही हैं। तो बस उसी में ये भी एक हॉबी बन गई है। पहले जब फाइन आर्ट्स नहीं किया था तो मेरा एक बैंड था, उसमें गिटार प्ले करता था। फिर उसके बाद उसको खत्म करके फाइन आर्ट्स में चले गए, तो वहां से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। फिर एडवर्टाइजिंग में चले गए, एडवर्टाइजिंग से फिर यहाँ पे डिजाइनिंग में आ गए। तो पेंटिंग्स की थी तो वो काम दूर होता चला गया, अब टाइम मिला तो उसमें वापस इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। तो मेरा मीडियम पेंटिंग में जो है, मुझे वाटर कलर ज्यादा पसंद है, हालांकि वाटर कलर मुश्किल मीडियम है, लेकिन मैं इसमें लैंडस्केप बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट में। अच्छा, मुझे बताइए पहले जब आप लोग से डिजाइनिंग की तरफ आए, जब आप लोगों ने फाइन आर्ट्स पढ़ा, एक तवील अरसा गुजर गया, उस वक्त इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। नहीं, अब जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज हो गया है, तो अभी जो यंगस्टर्स जो इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं उनको। उनका एक चीज हुई है कि जब हमने पढ़ा था तो हमारा सिर्फ दो इंस्टीट्यूशन थे कराची के अंदर, एक कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स और एक आर्ट्स काउंसिल। यूनिवर्सिटी वगैरह के लेवल पर ये सब चीजें नहीं थी। अच्छा, सेट डिजाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में पाकिस्तान में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। ये आपको आकर जब आप यहाँ पे आते हैं अपने सीनियर्स से सीखते हैं, और फिर आपको पता चलता है सेट डिजाइनिंग है क्या, जिस बेसिकली इंटीरियर एक्सटीरियर इन्वॉल्व होकर काम होता है इसके अंदर, आर्किटेक्चर एक तरह का काम है। तो जब हम यहाँ पर आए काम किया, तो अब जो नए लड़के लड़कियां जो काम ये कर रहे हैं सारा, तो आपका बहुत सी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ा रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो इन्वॉल्व की गई है कंप्यूटर डिजाइनिंग, वो चीज एक हद तक बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें एक जो मुझे फील होता है जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जब कंप्यूटर पे किसी चीज को बनाते हैं तो आप एक स्क्रीन के अंदर सारी चीजें बना रहे होते हैं। आपके दिमाग में एक चीज होती है कि मैंने यहाँ अलमारी रखनी है, यहाँ ये रखना है, यहाँ ये, आप उसकी स्केलिंग पे काम नहीं कर रहे होते। तो बहुत सी चीजें मैंने दो तीन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के प्रोजेक्ट्स किए, तो उनके पास जब मैं गया, उन्होंने मुझे अपने डिजाइन दिए कि ये हमारे स्टॉल्स के डिजाइन है ये बनाने, तो उनके अंदर यही इस मसला था कि आपने जो पेपर पे दिखाया है, जब आप विजुअली उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि जी ये अलमारी यहाँ रखी हुई है, उसके बाद इतनी दूर जाकर ये कुर्सी रखी है, इतनी दूर जाकर ये मेज रखी है, तो आपको ये लगता है कि बीच में बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं, लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करें और उसको प्रैक्टिकली बनाना शुरू करें तो पता चलता है बीच में स्पेस नहीं बच रही, क्योंकि आपने कैलकुलेशन उस स्पेस से नहीं की हुई होती। आप पेपर पे जो दिखा रहे हैं वो तो बहुत इजी है, प्रैक्टिकल करने में क्या है कि वो किस तरह से बनेगा। दूसरा, जब आप किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो उसके मटेरियल का आपको पता होना चाहिए कि जो ये चीज मैं डिजाइन कर रहा हूँ ये किस चीज में बनेगा। तो आपने एक चीज बना दी, अब आप उसको बनाना चाह रहे हैं तो पता चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रैक्टिकली आपको पहले, सबसे पहले ड्राइंग, स्केचिंग, आपका पर्सपेक्टिव की ड्राइंग्स, ये सब बहुत जरूरी है सीखना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कामरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आके मुझे अपना टाइम दिया। नहीं, आपके पास टाइम कम होता है लेकिन मेरे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। यहाँ पर देखो ये कौन आएगा सेगमेंट एंड हो रहा है, शुगर फ्रे यास्मीन यानी कि एसवाई को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।